अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे जी हम लोग आए हुए थे मार्केट और हम लोगों ने उठाने थे अपने पंपलेट लेने थे और साथ में बैनर। पंपलेट तो हमने ले लिए हैं और वो हमने पीछे रखे हुए हैं। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही हूँ। और ये अंकल का यूनिफॉर्म भी लिया है, ये ख़राब हो गया था तो ये हम लोगों ने दोबारा लिया है। और यहाँ पे जो है ना पंपलेट उसकी जो लुक है ना वो उमर आपको दिखाएंगे ज़रा डिटेल में, क्योंकि मुझे डिटेल में नहीं आता है दिखाना। और बड़े मज़े के बने हैं क्योंकि उस पर जो हैंड राइटिंग हुई है वो बड़ी अच्छी हुई है, कलर कम्बिनेशन बहुत प्यारे हैं। और यहाँ पे जी मैं आप लोगों को दिखाऊँ फैसलाबाद का मौसम तो कुछ बेहतर है। जहाँ जो कुछ भी करवाया है प्रिंटिंग जो भी है, हैंडराइटिंग लिखा तो है ना, फिर भी चाहे प्रिंट करवा के लिखवाया है। अच्छा, इनको मेरी गलतियां निकालने का कोई ना कोई मौका जरूर चाहिए होता है, क्योंकि मैं भी इनकी गलती निकाल देती हूँ तो ये भी ढूंढते ही रहते हैं कि ये कुछ गलत बोले और मैं फौरन निकाल। अभी जो है ना पंपलेट हमने अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए, 2000 पंपलेट बनवाए हैं, ये हमने अभी तकसीम करने हैं। वो बंदा ढूंढेंगे कोई तकसीम करने के लिए जो कि पंपलेट पूरे एरिया में तकसीम करके। उसके बाद हमने ना बैनर्स बनवाए हैं, 100 बैनर्स बनवाए हैं, वो हमारे बैनर्स बन गए हैं तो आगे हम वो उठाने के लिए जा रहे हैं तो वो भी। और यहाँ पे उमर को जो है ना बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई हुई है और फील ऐसी हो रहा है जैसे इनका फेस ग्लो कर रहा है, तो वैसे माशाल्लाह फेस इनका ग्लो करता ही रहता है, हालांकि ये साबुन बहुत कम यूज करते हैं लेकिन नेचुरल ब्यूटी है। रिक्शा के बैक की फ्लेक्सिंग भी हमने बनवाई है, इंशाल्लाह जब लगेंगे आपको दिखाएंगे। और फैसलाबाद का थोड़ा सा मैं मौसम भी दिखाना चाह रही थी, कुछ बेहतर है। लाहौर में तो बारिश हुई है, गुजरांवाला में भी हुई है, लेकिन यहाँ पे बादल बने हुए हैं और इतना ज्यादा वो जो है ना वो गर्मी नहीं है, लेकिन शुक्र है कि बारिश नहीं, वरना हम लोग नहीं आ सकते थे। और यहाँ पे ये देखें जी मिरर पे बारिश के छींटे पड़े हुए हैं, यहाँ पे बारिश हुई थी कल तो वो छींटे वैसे ही रह गए हैं इसके ऊपर, है ना, साफ नहीं ना किया इसमें जी। तो यहाँ से वाइपर के साथ साफ हो जाते, वहाँ से वाइपर नहीं लगा तो साफ नहीं हुआ। और हम लोग जी अब जा रहे हैं अपने बैनर्स लेने और उसके बाद जो है ना आप लोगों से बात करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे जी हम लोग आए थे पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी हमने शीशे बंद किए थे तो एसी लगाना था, तो यहाँ पे देखा कि पेट्रोल जो है ना हमारा बिल्कुल एंड हुआ पड़ा था, तो फिर साथ ही जाना हमने सोचा इधर तो आए हैं तो साथ ही चलो ठीक है, हमने सोचा कि इधर तो आए हैं साथ ही जो है ना अपना मिरर जो है ना वो भी वॉश करवाई लें, ऐसे घर में तो होना नहीं है ना तो यहाँ पे ना ज़रा अच्छे से वॉश हो जाता है। हाँ हाँ, ये सर्फ के साथ करते हैं ना तो अच्छे से वाइपर के साथ लगा के ज़रा अच्छा साफ हो जाता है मिरर, वैसे घर में होता नहीं है। पैसे निकाल देना 5060 5560। हाँ 5560 ये पकड़ने पकाया और रख लें इसमें, इसमें से अपने लिए निकाल लें जितने निकालने नहीं निकालना, चले उधर रख दें फिर वॉलेट, बाद में क्या पता नीयत आपकी ख़राब हो जाए। मेरी नीयत पैसों पे आपको पता ख़राब नहीं होती, आपका वॉलेट ऐसे ही सामने पड़ा होता है, मैंने कभी नहीं छेड़ा भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं इसने कितने सही। चलें जी हमने जाना था उस गली में वहाँ पे बैनर लेने के लिए, तो वहाँ पे इस वक्त जो है रश बहुत ही ज़्यादा और ट्रैफिक तब की जाम हुई है, इसलिए मैंने ना गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाया कि यहाँ पे ये ना वो खड़े खड़े हमारा पेट्रोल जो है ना बिल्कुल एंड हो जाए, तो अभी भी रश है तो फिर क्या करना है, वहाँ जाना कि नहीं जाना। खुल गया रश, नहीं खुल गया रश, नहीं खुल गया ट्रैफिक खुलती है सही है, मुझे नहीं लगता रुकना, अभी देखो रश है काफी, मैंने कहा नहीं है वो खुल गई है सड़क चली गई है लोग आ सही चले देखते हैं फिर आएंगे। अच्छा जी कल हम बाज़ार से सारी चीज़ें लेके आ गए थे, रात काफ़ी हो गई थी इसलिए हम लोग के साथ व्लॉग शेयर नहीं किया, तो अभी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है तो आज हम लोग जी जा रहे हैं दोबारा स्कूल, क्योंकि स्कूल में आज हमने स्टाफ को भी बुलवाया, स्टाफ को थोड़ी छुट्टियाँ दी थी हमने और आज से दोबारा स्टाफ जो है ना हमारा स्कूल में आ गया, जितने भी काम पेंडिंग है स्कूल के छुट्टियों से पहले पहले जो करने वाले इंशाल्लाह हमने जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं आज। और पंपलेट जो है ना वो इधर साथ ही पड़े हुए हैं, बैनर जो है ना वो पीछे डिक्की में पड़े हुए हैं, तो ये भी आज इंशाल्लाह मैं साथ लेके जाता हूँ, जिनका भी हल निकालते हैं कि ये भी जो है ना लगवाने हैं, तो फिर जैसे जैसे जो जो काम करते हैं इंशाल्लाह आप लोग साथ शेयर करते हैं। लुबना भी आ गई है यहाँ पे, बैठे जल्दी चलें। अच्छा जी आज से हमने अपने स्कूल की टाइमिंग जो है दोबारा से इंक्रीज कर दी है, जो कि टाइम हम तकरीबन 11 बजे पहले छुट्टी हो जाती थी, दोबारा जो है ना नहीं
क्योंकि 11 बजे छुट्टी हो जाती है पहले स्कूल से, अब दोबारा हमने 1 बजे की टाइमिंग कर दी है, तो 1 बजे अब जाया करना यहाँ से, 1 से 2 भी बज जाते हैं हमें। तो आज से दोबारा जो है ना हमारा खाना, जैसे पहले रूटीन थी हमारी, वैसे ही दोबारा हमारा खाना जो है ना स्कूल में स्टार्ट हो गया है बनना। तो ये आज बनी हुई थी घर में जी भिंडी, तो ये भिंडी का सालन हम घर से लेके आए थे, साथ में रोटी जो है ना हमने स्कूल में बनवाई है। हाँ जी, ऑयल नजर ही नहीं आ रहा के, वैसे पेट में दर्द होता है। आप लोगों ने भी कमेंट में लाजमी बताना है कि आपके साथ भी ऐसा होता है, हम लोगों के साथ तो होता ही होता। बाहर जो है ना वो कभी बादल आ जाते हैं और कभी जो है ना धूप आ जाती है, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी अब फिर जो है ना वो बादल आ गए हैं यहाँ पे। लेकिन सूरज जो है ना थोड़ा बहुत निकला हुआ है, लेकिन फिर बार बार जो है बादल आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो है ना वो एरिया बिल्कुल मज़े का हो गया है। ये देखें हमने बोर्ड भी अपना यहाँ पे लगा लिया था पेंट होने के बाद, तो काफ़ी जो है ना वो मज़े का लग रहा है ये एरिया। ये फ्लैक्स अभी इधर ही पड़ी है, ये फ्लैक्स अभी हमने लगानी थी जो यहाँ से उतारी थी, ये भी लगा लेंगे। पहले मैं जल्दी से जो है ना वो खाना खा लूँ उससे पहले के खाना जो है ना वो ठंडा हो। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया है रात का टाइम, रात के तकरीबन 8:30 का टाइम है। यहाँ पे व्लॉग मैं कर रहा था, एडिट शोर काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे, इसलिए मैंने ये जो है ना ब्लूटूथ लगाए हुए थे, इसके साथ जो है ना वो मैं अपनी वीडियो की वॉइस जो है ना वो सुन के उसको एडिट कर रहा था वीडियो को, ताकि मुझे बाहर का शोर जो है ना वो सुनाई ना दे और कोई भी किसी किस्म की डिस्टर्बेंस जो है ना वो ना हो। और यहाँ पे इस वक्त खाना वगैरह तो हमने खा लिया है, दरमियान वाला व्लॉग जो है ना हम लोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सके क्योंकि कुछ मजबूरी बन गई थी इस वजह से। तो यहाँ पे इस वक्त जी चाय बन हमारी जो है ना वो बन के आ गई है इस वक्त, और ये रात के खाने के बाद की चाय है। हाँ जी, सुबह नाश्ते की हमने पी ली थी, वो नाश्ते का व्लॉग था, सेंटर में से वो सारा स्लिप हो गया, अब हो गई है, रात के 9 बज रहे हैं, तो अब हम लोग जो है ना खाना खाया उसके बाद चाय जी। 3 कप चाय की है, इसमें से सिर्फ 1 कप हमारा है ये ब्लैक वाला, क्योंकि हम दोनों ने हाफ हाफ पीनी है। तो ये हम दोनों एक कप में पीते हैं और सर्दियों में अलग अलग। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे जो है ना वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं लूडो खेल के, क्योंकि इनकी छुट्टियों के रह गए हैं सिर्फ कितने दिन रह गए हैं, एक हफ्ता कहाँ रह गया आप लोगों का, 2 से 3 दिन रह गए हैं, एक हफ्ता। चले लूडो इनकी फुल जो है ना गंदी हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी ये खेल रहे हैं बस। और मोना मैडम वहाँ पी रही है चाय, ठंडा जी बिल्कुल। यहाँ पे ये मैंने बटन इसलिए खोले हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बैठा हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, लुबना जो है ना वो इस वक्त मेरे सामने नीचे बैठी हुई है मेरे कदमों में। इस अक्सर जो है ना अक्सर जो है ना लुबना को मैं यहीं पे बैठाता हूँ, बखूबी आगाह है कि महबूब आपके कदमों में कैसे आ सकता है, तो जिसने भी कोई टिप लेनी है इनसे लेनी। हाँ जी, चाय पिए इकट्ठे एक कप में तो महबूब आपके कदमों में आ जाएगा, ये देखें एक कप में हमारी चाय और महबूब कदमों में है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है, दूसरे का एहतराम करें, दूसरे की बात माने और कदमों में जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब टाइम जो है ना वो काफ़ी हो गया है, व्लॉग मैं वीडियो एडिट कर रहा था, वीडियो हमारी बनी थी सिर्फ 6 मिनट की, और तो शर्ट के सारे बटन भी ओपन किए। हाँ जी, वो मैंने पहले बता दिया कि गर्मी बहुत है। हाँ जी, ये जो है ना वो है काटन का सूट, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने ये बटन वगैरह खोले हुए हैं यहाँ पे। तो वैसे 2 दिन पहले मौसम ठीक रहा है, आज दोबारा गर्मी हुई है। तो हाँ जी, वीडियो में जब एडिट कर रहा था, वीडियो हमारी जो बनी थी सिर्फ 6 मिनट की, तो अब मैंने सोचा कि 6 मिनट की वीडियो अपलोड नहीं करनी, थोड़ा सा व्लॉग को बढ़ाएं, तो मैंने सोचा कि अभी की जो रूटीन हमारी चल रही है वो शेयर कर दो, वीडियो एडिट कैसे करते हैं हम। और कुछ लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कंप्यूटर पे भी एडिट होती है या लैपटॉप पे होती है या मोबाइल पे भी हो जाती है, बस आपको डिस्टर्ब करने वाला बंदा कोई ना हो, बहुत अच्छा मोबाइल हो, हाँ मोबाइल पे भी हो जाती है। हाँ जी, जैसी भी वीडियो बनाए अपलोड कर दें, सही है ना। अच्छा चलें फिर हम चाय पी लें, इससे पहले कि हमारी चाय ठंडी हो, उसके बाद हमने अभी एक दो काम और है करने वाले, वो भी करने हैं क्योंकि हमारे स्कूल में हाँ जी स्कूल में डेकोरेशन का काम हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, वहाँ पे बोर्ड वगैरह रेडी करना है वेलकम बैक टू स्कूल का, फिर बच्चों के लिए जो बच्चों ने वापस आना है उनको जो चीज़ें देनी है वो हमने, तो वो सारा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, तो आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। हाँ जी, और हमारे जो एक कप हमारा रह गया, बाकी 2 कप यहाँ से गायब हो गए।